सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ. थैंक यू सो मच. अरे फोटोग्राफ्स रुक जाना, अभी शुरू करते हैं. हाँ लाइट बढ़ाना है. सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू देता हूँ, दिल से एकदम हार्दिक बधाई आप लोगों को, मेरी टीम को देता हूँ. थैंक यू फॉर कमिंग ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हम लोग बहुत चाहते थे आप लोगों से मिलना एक्चुअली, क्योंकि फिल्म से पहले हम लोग ऐसी ऐसी बात जो थे जो नहीं कर पाए थे. और मिस्टर बच्चन का ये हम लोगों से जब डिस्कशन हो रहा था मार्केटिंग में, हम लोग चाह रहे थे कि बहुत जगह जाएं और मिलें और प्रमोशन जो नॉर्मली होता है. सो हमने डिसाइड किया था कि इसमें हम जाएंगे नहीं, फिल्म देखने के बाद सबको बुलाएंगे और फिर शायद हम लोगों को बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये फिल्म थ्रिलर है और उसके बारे में हम पहले नहीं बात कर सकते. सो सबसे पहले मैं आप जितने भी मीडिया के लोग हैं और क्रिटिक्स हैं, रिव्यू हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, सबको मैं मेरे पिंक टीम की तरफ से आई जस्ट वॉन्ट टू रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इस तरह से इस फिल्म को जो तोला है, इस फिल्म को जो अपने सर पे रखा है, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा है. किसी अनप्रेसिडेंटेड इतना प्यार, मतलब जस्ट ओनिंग अप अ फिल्म एज देयर ओन फिल्म, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ रिएक्शंस. मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ. थैंक यू इसके लिए. ये हमारी पूरी टीम है. मैं इंट्रोड्यूस क्या करूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको आपने देखा नहीं है, मैं पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बना देता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने इस फिल्म में, जो मेरे हीरो हैं इस फिल्म के, और मेरे हर फिल्म के हीरो जो है मेरे राइटर होते हैं, उनका नाम है रितेश शाह. अगर आप जानते हैं मेरे डायरेक्टर फ्रॉम कोलकाता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और ऐसे लोग जिनको शायद आप नहीं देखेंगे, सामने कभी नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी वजह, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी जितनी फिल्में की हैं और पिंक में जो भी काम किया है. मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं जोगी हैं, बहुत अच्छा करते हैं. और हॉल से निकल के सब एक ही आदमी एक ही के लिए पहले सबसे पहले पूछते हैं कि वो SHO जो महिला जो पुलिस ऑफिसर थी वो कौन थी. वो हैं हमारी ममता, वो हमारी कास्टिंग डिपार्टमेंट की हैं. हमको लगा कोई नहीं मिला, चल तुम कर लो यार. तो ऐसा हुआ था इनकी कास्टिंग. और एक चीज़ जिसके लेके सब पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये पोएट्री किसने लिख दी है कि तू खोज में निकल. उनका नाम है वन ऑफ द फेमस नोन, आई मीन लिटरेचर सेक्टर में और जो वो काम करते हैं, उनका नाम है तनवीर गाजी. मैं इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो काम किया है. मेरे इस फिल्म का जो है, सब लोग बोलते हैं फिल्म बनती कहाँ है, फाइनली फिल्म जो बनती है वो एडिटिंग टेबल में जाके बनती है. एंड मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे एडिटर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई, एंड मैं कितना प्रिविलेज्ड एंड ऑनर हूँ कि इस आदमी के साथ मैंने काम किया. उनका नाम है बुद्धदित्ता, फर्स्ट हिंदी फिल्म फ्रॉम कोलकाता. और बाकी सब लोग को जानते हैं, शांतनु, रॉनी मेरे प्रोड्यूसर हैं, रश्मि हैं, और मैं बाकी लोगों का क्या बताऊँ. मैं आपसे एक चीज़ बस बोलूँगा, आई नो आप लोगों के पास बहुत सवाल हैं, आप मिस्टर बच्चन को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर इस तरह से एक अच्छी फिल्म, एक कंटेंट वाली जो फिल्म, जिसको आप लोग टर्म दे दिया है कंटेंट वाली फिल्म, पता नहीं ये टर्म क्यों दे दिया है, फिल्म तो कंटेंट ही होता है, इसमें क्या नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता है. आपने इस तरह से ही उसको आप लोग सहारे, इस तरह से ही उसको अपनाएं, और ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कभी कभी जिस फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी भी हो जाती है, उसकी बदनामी कभी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्टिमिज्म रहेगा. सो प्लीज़ आप लोग इसको सहारते रहेंगे. और एक चीज़, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ भैया, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. आप मालूम है ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, वॉट एवर, मैं एक सवाल बोलूँगा, आप लोग नहीं पूछे, स्पेशली मेरे से नहीं पूछे और मेरे टीम से नहीं पूछे तो मैं थैंकफुल रहूँगा. इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के बारे में मत पूछिएगा प्लीज़. ये फिल्म मेरे लिए बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाया था मैंने. अगर बॉक्स ऑफिस के लिए बनाया होता तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता. तो आप प्लीज़ इस फिल्म की कितनी आमदनी हुई, क्या हुई, हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तो नहीं है एटलीस्ट. मेरे लिए सक्सेसफुल अगर इस फिल्म का है, ये 3 दिन में इसलिए हम मिल रहे हैं, इस फिल्म का सक्सेस मेरे लिए वो है कि
कि जब एक लड़की रात को 8 बजे अकेले अपने हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए घर पहुंच जाएगी अकेले, बिना किसी हिजक के, बिना किसी चिंता के, वो मेरे लिए सक्सेसफुल है. सो तो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ उस बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं रियली मेरे लिए वो मैटर नहीं करता. बट अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मैं चाहूँगा कि मिस्टर बच्चन कुछ बोले, बिकॉज उनके बिना हम लोग कुछ हैं ही नहीं इस फिल्म में. एंड आई थिंक आई एम सो थैंकफुल कि वो इस तरह से इस फिल्म में हम सब यंगस्टर्स के साथ, मतलब एक ऐसे यंगस्टर्स के, चलो मैं भी कूद जाता हूँ आज मैदान में, उस तरह से जो एक बिहेवियर, एक एंथुजियाज्म, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ. आई होप सारे ऐसे ही करें. मैं उनको देता हूँ जस्ट एक चीज़. मैं एक जन को और थैंक यू देना चाहता हूँ जो पहली बार अपनी डेब्यू कर रही हैं हिंदी फिल्म में और हमसे आके जुड़ी हैं. वो है बहुत ही फेमस टेलीविज़न की प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा. उन्होंने एकदम, मतलब खुले दिल से मेरे को फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ. बट मैं चाहता हूँ कि लेट्स ओपन द फोरम एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस एंड देन जो जो होता रहेगा हम बताते रहेंगे. सुजीत सर, आपसे भी सवाल है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने, बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन और भी हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने महिलाओं को लेकर फिल्म बनाई है, लड़कियों को लेकर फिल्म बनाई है, और भी सारे मुद्दे हैं, तो आगे चल के क्या उस पर फिल्म बनाएंगे? देखिए, मुद्दा सोच के तो फिल्म मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे तो कहानी कहनी होती है. सो यस, अगर कहानी में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है. सो सबसे पहले जब ये टोनी ने ये सोचा था कि बंगला फिल्म बनाएंगे, और एक छोटी सी लाइन थी इस कहानी की, तो हम दोनों, मैं और रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत दिन बैठे रहे इस आइडिया पे. फिर बहुत दिन बाद हमने सोचा कि नहीं, इस पे एक फिल्म बनना चाहिए. मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे वाइफ के साथ, जब उन्होंने कहा कि कुछ मुझे कहा एक दिन कि ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ, कि ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है. सो वो मुझे दिल में बहुत चोट लगी, मुझे इंसल्ट फील हुआ मेरे वाइफ के सामने, मेरे को एज अ मैन आई एम स्टैंडिंग देयर, बहुत गिल्ट हुआ मुझे. और मैंने मन में उसमें सोचा था कि मैं रॉनी को बोला है कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. फिर और हम सबके पास ही, ऐसा तो नहीं है हम मर्द ऐसे कहीं भगवान ने हमको फेंक दिया, ये लो मर्द तुम जाओ हिंदुस्तान पहुँच जाओ या अर्थ में पहुँच जाओ. हम सब कहाँ से निकले हैं जो सर बोलते हैं, हम कहाँ, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं यार, कहीं ना कहीं दिल में तो चोट लगता ही है. अब ये कोई इशू नहीं है कि हम आसपास रोज़ देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई नया सा कुछ आइडिया आया होगा, ये आप लोग भी रोज़ देखते हो, आपके मन में भी आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा शायद, आप भी शायद, आपके साथ में कोई लड़की ऑफिस में काम करती है उसको अगर कोई इस नज़र से देख लें तो कैसे लगेगा आपको. तो हमको भी वैसी फीलिंग हुई. बनाऊंगा किसी, अगर कोई इशू जुड़ जाएगा किसी कहानी के साथ. मेरा काम था ऑडियंस को 2 घंटे बिठा के रखना, आजकल वही बड़ा, बहुत बड़ा काम है कि 2 घंटे किसी को बिठा दो हॉल के अंदर. सो आई थिंक हमने वो बिठा भी दिया, उन्हें रुला भी दिया, और सोचने में मजबूर कर दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए. थैंक यू सो मच. सॉरी, आई जस्ट वॉन्ट टू, आप बीबी से आपका जो एक रिएक्शन आपने बोला था क्या इफेक्ट करेगा, मैं आपको जस्ट बता दूं. यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑन ट्विटर इटसेल्फ फ्रॉम समबडी दैट एक बाप ने फ़ोन किया था कि, और उनकी जस्ट अभी बच्ची हुई है, एक बेटा हुआ है, 4 दिन का है, तो वो फिल्म देख के आया था. उसने कहा उसने कि मैं जैसे ही मेरा बेटा बड़ा होगा ये मैं फिल्म रख दूंगा, और जैसे ही बड़ा होगा कि 10 साल का, 8 साल का, 11 साल का, मैं उसको ये फिल्म दिखाऊंगा. तो इस तरह के रिएक्शन से भी यही चीज़ आई, इस तरह से रिएक्शन रहा है. मैं और एक चीज़ बताऊँ, कहा कि 2 साल की बच्ची है मेरी, और अभी वो, मैं जैसे ही ये बड़ी होगी मैं ये फिल्म उसको अलग लगा के रहा, और आपके इस पत्र को अलग रखूँगा कि तब वो बड़ी होगी तो मैं उससे दिखाऊँगा. एक 18 साल की लड़की जो हॉल से बाहर निकली, मेरा हाथ पकड़ के बहुत देर से, वो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोई और फिर बोली कि मैं आज घर जाऊँगी, मैं अपने माँ बाप, ऐसी कोई लड़की दिल्ली में थे, मैं अपने माँ बाप को डाइनिंग टेबल में बैठाऊँगी और मैं इधर बैठूँगी कि माँ और बाबा आपने जो मुझे बोला है ना कि प्रोटेस्ट मत करना और सर नीचे करके निकल जाना अगर पंगा, मैं बोलूँगा आपने मुझे गलत सिखाया है, मैं नहीं सर झुक के नहीं जाऊँगी, मैं सीधा सर उठा के जाऊँगी, मुझे कोई मत रोके चाहिए उसके लिए. ऐसे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं
जैसा बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों ने बाहर से मुझे, स्वीडन से किसी ने बोला था कि ये फिल्म स्वीडन में दिखाना चाहिए, तो मेरे को समझ में, स्वीडन में बोलते, स्वीडन में इससे ज़्यादा है प्रॉब्लम, तो मेरे को लगा ही नहीं कि यूरोप जैसे कंट्री में हो सकता है। लेकिन आपका जवाब देने के लिए, ये पहले जब अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फिल्म बनाना चाहिए, और ये एक वन लाइन स्टोरी थी जो हम हिंदी बंगला में बनाना चाह रहे थे। सो मैं और, जैसे मैंने कहा, रॉनी बहुत दिन बैठे रहे, और फिर हमने सोचा कि नहीं यार टोनी, इस फिल्म को हिंदी में बनाएंगे, नेशनल लेवल पे बनाएंगे हिंदी, बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज़ अ मच मोर फाउडर रीच। सो तभी रितेश जो हैं वो भी दिल्ली से हैं, रह चुके हैं दिल्ली में, थिएटर कर चुके हैं, है तो श्रीनगर से, तो वो भी दिल्ली से, तो मैंने अनिरुद्ध को बोला चिंता मत करो, मैं दिल्ली से हूँ, मैं 20 साल रहा हूँ दिल्ली में, और मेरे आँखों के सामने ऐसी घटना हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। सो अगर आप बोलेंगे कि मैंने और रितेश ने ऐसे घटनाएं नहीं देखी हैं, तो मैं बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करूंगा कि हमने देखी हैं हमारे सामने। हमने इतने सारे केसेस निकाले, अच्छा आपको बता देते हैं, हमने कोलकाता से 1 प्राइम केसेस निकाला है, हमने दिल्ली से हमने प्राइम केसेस निकाले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो आज कटघरे में हुआ है, और रितेश भी जानता है, इधर मैं बैठे हैं, मैंने सर को आके बताया था, सर आज वेन सर, बिकॉज सर क्वेश्चंस ऑन एवरीथिंग ऑन द स्क्रिप्ट, और मेरे को जवाब रेडी रखना पड़ता है। सो मैंने उनको बोला, सर ये देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो कोर्ट में हुए हैं, एग्जैक्टली यही हुआ है, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट हुआ है। लोकेल जो है, आप मेरे फिल्म में, पहले भी फिल्में हुई हैं विकी डोनर और पीकू, उसमें भी आपने बहुत हिलेरियस सा दिल्ली देखा होगा, लेकिन इसमें एक दूसरा, एक डार्क साइड ऑफ दिल्ली देखा है। लोकेशन जो है फिल्म में ना, ऐसे नहीं होता है कि चलो यार यहाँ जाके शूट कर देते हैं, नहीं होता है। मेरे फिल्म में लोकेशन जो है एक कैरेक्टर होता है, तो इस फिल्म में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। आप दिल्ली को इस फिल्म से बाहर नहीं कर सकते, वो भी हिस्सा है इस पार्ट का, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो बहुत जगह से निकल आएंगे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तमिलनाडु से फ़ोन आ रहे हैं दोस्त, तमिलनाडु से फ़ोन आ रहा है, कोलकाता से फ़ोन आ रहा है कि उनको भी यही प्रॉब्लम होती है, मतलब शीशे जो हैं उतरने लगते हैं, स्लो हो जाता है गाड़ी। आई वॉन्ट टू फर्स्टली कंग्रेचुलेशन, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एवर मेड इन इंडिया, आउटस्टैंडिंग इज द वर्ड। I really don't know whom to praise more, the writer or the director, the writers or the director or the actors. I think, and by actors I mean right from Bachchan Saab to the person who had one single scene, I think nothing is wrong in the film. I want to know two things from the writers. This scene where Bachchan Saab asks Meenal, ki, are you a virgin? Are you a virgin? Did you all think that you all would get the answer as no? 10 years back, probably, if this film was made, the heroine would have been shown to be a murat of virtues. I have not let a boy touch me and all. So to take this step and therefore alienate probably the 40 or 50 plus audience, shayad they are such orthodox audience, they may say, agar aisi ladki hai, to phir to iska aisa hi hona chahiye. There is a chance. Did you all deliberate on that, or it was the first thought and therefore you all went with it? And secondly, whose idea was it to show the entire drama jo hotel room mein hua right in the end titles? I think the person who has thought of this, there can be no more intelligent person in Bollywood. It is a masterstroke. It is a masterstroke. I don't know how anybody can think ke jis jo crux hai film ka, वो मैं लास्ट रोलिंग टाइटल्स में दिखाऊंगा। दैट ऑल्सो प्रूव्स योर जीनियस, बिकॉज नोबडी बट नोबडी गेट्स अप फ्रॉम द चेयर, बिकॉज दैट इज, अरे ये हमने देखा, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट आई गॉट द आंसर, एंड दैट द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट वर्जिन पार्ट, वॉज इट टू मच ऑफ अ हैसल टू कम टू द कंक्लूजन? ब्रिलियंट क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। वी हैव बीन आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ डिबेट रादर देन एनीथिंग एल्स। वी रियली वॉन्ट टू talk about it. It drained out writing that scene. Well, virgin in my films, I mean, sorry Ritesh and Tony on that, has also existed in Piku also. A father asks, tells a probable groom that my daughter is not a virgin. Do you want to still marry her? He asks directly, as direct can, and if a father can. So, no, it's that question has never, that, you know, it's going to humiliate somebody or this. Have you ever known or have you heard anywhere that a man has been asked, are you a virgin? We have never done that. Never. I just want to add this, because this is what we discussed earlier on. To give a brainstorm, how did we come to that scene? Yes, yet it was deliberate. So when Ritesh and me were discussing the script and the thing, the one thing that occurred that
Pritesh, we'll have to prove one important thing. A woman is drinking in the night in one hotel room with few boys, right? This woman has gone through many possibly sexual experiences. The main point to come out was that mard ye sochte hain yaar ye ladki to itne logo ke sath so gayi, ek aur so jayegi to kya farak padega. Which is what my character says after that. So it's not that the virgin question. To arrive at that, कि एक बार और सो जाएगी तो, और मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे घरों के लड़के सब यही सोचते हैं, फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें कोई क्लास एजुकेशन आता नहीं है. और इस सवाल को पहुँचने के लिए आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट क्लेवरली दैट ही गॉट इट. हमको ये था, इसको पहुँचना था, हाउ टू गेट टू दिस एंड देन गेट टू द पॉइंट कि ये आपका जो फर्स्ट सेक्सुअल आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या आपको पे किया गया? पे तो नहीं किया गया आपको, और आपको फोर्स भी नहीं किया गया. इन दोनों पॉइंट को बात को नहीं लिया एंड आई थिंक आई सल्यूट व्हेन ही सेंड मी द सीन. मैंने उसको बोला रितेश तेरा हो गया, तू तो पार हो गया अभी. एंड आई थिंक ही डिड ब्रिलियंट. आई वुड वांट हिम टू टॉक ऑन दिस. ही इज जस्ट डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑन दिस. आपको जस्ट थोड़ा सा एक बता दूं, हाउ डू वी यूज टू डू एंड राइट समटाइम्स, यू नो समटाइम्स हम लोग कीर्ति और तापसी को ऐसे सामने बिठा देते थे और मैं और रितेश इधर बैठते थे एंड हम लोग डिफेंस लॉयर और जो है ये लॉयर बन जाते थे. एंड समटाइम्स तापसी यूज टू गेट एंग्री लिटरली, सर आप ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो बिकॉज वी वॉन्टेड तापसी टू बी तापसी एंड कीर्ति टू बी कीर्ति. हम लोगों ने वैसे ही डिसाइड, किसी ने हमको कॉस्ट्यूम्स को लेके पूछा था. आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं इनको जाके पूछता था यार ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या पहनोगे. ये नहीं कि कोई डिक्टैक्ट फ्रॉम अस कि ये पहनना है तेरे को, बिकॉज इट इज़ देयर फिल्म एंड दे फील वी आर नॉट अ वुमन सो दे विल नो सर हम ऐसे मोड में यही पहनेंगे. मैंने ठीक है तुम ऐसे मोड में यही पहनो. सो दैट्स वाई दिस नेचुरल जो उनकी जो आई है बिहेवियर बिकॉज ऑफ दिस. आई वॉन्टेड, आई स्पोक टू रितेश अबाउट दिस, आई वॉन्टेड पीपल इन द थिएटर हॉल ऑल्सो टू हैव अ परसेप्शन ऑन द गर्ल्स. कि मैंने बोला था कि लोगों को सोचने दो ये लड़कियाँ डिलेमा में रहने दो, शायद ये खराब हैं अच्छी हैं, खराब हैं अच्छी हैं. लेट बिकॉज व्हेन यू आर वॉचिंग द फिल्म इट वॉज अ वेरी डिलिबरेट एंड आई वॉन्टेड टू प्ले विद द साइकी ऑफ द ऑडियंस, द मैन हु आर कमिंग और द वुमेन हु आर कमिंग. सो इट सी फिल्म में तीन चीज़ें होती है, एक क्राफ्ट होता है, एक ऑनेस्टी ऑफ आपकी इंटीग्रिटी होती है, और थर्ड होता है मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन तो हर को सबको आता है, हमको आता है. हम हैं ही मैनिपुलेटर सब. नो आई एम सेइंग सो आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग हैं वो मेरे को आके बोलते हैं यार उन्होंने पैसे लिए हैं. मैंने बोला यार तुमको समझ में नहीं आया. मैंने बोला यार मेरे को तो हिंदुस्तान छोड़ देना पड़ेगा अगर तेरे को समझ में नहीं आया. नहीं हमको यार बताओ, क्लैरिटी मांग रहे हैं मेरे से. मैंने बोला उसका अगला सीन देखा है आपने? आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले सीन में मैंने क्लैरिफाई दिया है. मैं आज को बता दूं आपको, रितेश मेरे को सोचा था ये कल मुझे बोले, मैं हर समय क्वेश्चन करता था यार सुजीत दा ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है. मैंने बोला नहीं यार मेरे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं लोगों को समझ में आ जाएगा क्या ये बात, क्योंकि इतनी सटल है. मेरे को तो वो सेकंड वाले सीन में क्लैरिटी करने की भी ज़रूरत नहीं थी. मैंने कहा कीर्ति का परफॉर्मेंस इतना ही है कि समझ में आ गया कि वो उस सिचुएशन में एग्री करके यार कि पैसे लिए हैं, हाँ लिए हैं यार, बोलो अब क्या करना है. ऐसा गुस्सा था उसका, उसने बोर्ड निकाल दिया. लेकिन अब क्या करें, ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, वो पूछते हैं कि यार पैसे लिए हैं. मैंने बोला यार यस सो सारी योर ब्रांडिंग है. यस यस एग्जैक्टली. एंड फलक अली सेज इन दैट कि हाँ हमने पैसे लिए हैं, लेकिन लेने के बाद भी ये जो इसने किया ये सही था या ये सही. तो बिलीव मी वो एक सटल इतना था. आपने सही पूछा है तो वी नेवर वांटेड दैट एंड दैट एनीवे. सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन ऑन दैट. और अगले सीन में वो कह देती ना जब मेरे घर में लोग सब सो रहे हैं सर तब भी पूछा है सर. सारा ने बहुत अच्छा किया बोल दिया, आर्गुमेंट ही खत्म हो गया. सो इट वाज मोर फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट. बताइए. एंड सर यू नो व्हेन फिल्म्स लाइक पिंक एंड पीकू गेट एक्सेप्टेंस एंड सच लव फ्रॉम द ऑडियंसेस, डज इट गिव मोर कॉन्फिडेंस टू यू टू एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा ओवर हियर? I mean, see, it definitely gives a courage.
People ask me, why don't you do this kind of film and that kind of film? What kind of film I would know, the pot boilers or what? I said, kis, look, I can only do a film. In my childhood, in school, I have learned this, that after reading a story, my class teacher would tell me first, what is the moral of the story? And if I don't have a moral of the story, then there's no point I am here making a story, giving a telly or telling a story. So, har cheez mein mujhe ye courage deta hai, kisi bhi story ko kahun, uska ek morality hona chahiye, kahin na kahin, insight profound hona chahiye. So, I think, wo karunga aage. It gives me courage. I mean, Komal ji ne aur aap logon ne jis tarah se is film ko, maine aisa unprecedented, matlab pyar from the media, from across section, from the reviewers, from the critics, maine zindagi mein experience nahi kiya hai. The plan is now, the next visit is Kolkata, where we are having an open discussion. Fantastic. Yeah, we are trying to do this with a few judges also. Like for example, yesterday, I will not name one of the top commissioner of police had called Ritesh and had told him that hum apne hawaldaron ko nahi samjha paaye jo aapne isme samjha diya. क्या बात है, मैंने उसको बोला है. सो टॉप कमिश्नर्स ऑफ पुलिस एंड लॉयर्स, एक लॉयर ने फोन किया, उन्होंने कहा कि ये जो कहा ना नो मोइंस नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में है. बोलते हैं हम कोर्ट में समझाते हुए पता नहीं थक जाते हैं कि कैसे समझाए सर, नो सर, इसने नो बोला. अच्छा ठीक है, बोला आगे बोलो क्या है. मतलब आगे क्या बोले सर, नो बोला था इसने. तो वो बोलते हैं हम थक जाते हैं, वो आपने एक झटके में कर दिया है. सो वी विल बी प्रोमोटिंग दिस, टेकिंग दिस पीपल. एक्चुअली मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला है कि बहुत सारे पैसे मेरे को दे दो ताकि मैं फ्री शो कर सकूं लोगों के लिए, बच्चों के लिए. जस्ट वांट टू डू सम फ्री शोज. आप लोगों को जितना कमाना है आपने कमा लेना, उसकी इस फिल्म में कमाने की चिंता बिल्कुल मत करना. जितने लोग देख लें वो मेरे लिए शांति होगी, ना कि बॉक्स ऑफिस. सुजीत, आई गॉट अ कॉल यस्टरडे. टैक्स फ्री अगर हो जाएगा तो बोल देंगे. हमको बहुत बोल रहे हैं टैक्स फ्री करने के लिए. आई थिंक वी आर ऑन दैट वर्ड जॉन्स सर. I want to share something. Tony wants to say something. I want to share something with all of us. Yesterday I got a call from a young girl. She told that we want to show this film on Father's Day. Bahar bahut sare log aaye hain cinema dekhne ke liye. Pink. Quickly do ha, jaldi karte hain. Sujit ji. Ji ha, Sujit ji. Ha bataiye. Sir, hum Sujit ji. Ha bataiye. Abhi aapne Sujit ji ekdam ji ji hamare piche jo khade hue hain na, jo Bharati. Acha ek mein shanti rakhiye, le rahe hain. Sujit ji. एक मिनट, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सभी लड़के ऐसा चाहते हैं. पब्लिक अभी बोला कि सभी लड़के ऐसा चाहते हैं, आपने थोड़ी देर पहले जो कहा था. तो आपसे और अमित जी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि लड़कों के अंदर एक जानवर पैदा हो जाता है. क्या कारण है? हाँ, जो लड़कों के जानवर पैदा हो जाता है. देखिए मैं आपको इसका छोटा जल्दी से जवाब दूंगा, बहुत सारे हैं. मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. भगवान ने जो है ना, मतलब एक कमाल जो काम किया है, वो महिला को बहुत खूबसूरत बनाया है, राइट? इस पर तो कोई डिनाई नहीं है ना. हम जानते हैं ना, हर महिला खूबसूरत है. हम भी देखते हैं एक महिला अगर रियली, चाहे खूबसूरत का मतलब खूबसूरती नहीं है, उनका दिल, उन जिस तरह से बात करते हैं, एक महिला की कितनी टेंडरनेस होती है, वो कितनी केयरिंग है. मैंने तो आज तक ऐसी महिला नहीं देखी जो केयरिंग नहीं होती है. सब मुझे लगता है केयरिंग है. लेकिन आप उस औरत को किस नज़र से देखते हैं, किस इंटेंशन से देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है. आप क्या हर औरत को क्या चाहेंगे आप उसे रहें? अगर खूबसूरत है तो हम उन पर झपट पड़ेंगे? यही तो कंट्रोल है आपकी, यही तो आपकी सम्मान है. आप कैमरा कहाँ लगा देंगे? पैर के नीचे लगा देंगे या उनके सामने लगाएंगे? ये आपकी अंदर की दिल की इंटेंशन है. मैं इस फिल्म में चाहता तो कैमरा नीचे लगा देता, नहीं लगाया ना मैंने. आपको कहीं भी लगा इस लड़की को कि नहीं? आपको लगा होगा कि ये लड़की मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड है. ये आपकी इनर कॉन्शियस होती है कि आप कहाँ उस कैमरे को लगाते हैं, राइट? उसी से आपकी इंटेंशन मालूम चलती है, आप क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं. तो इसीलिए यस, आप बिल्कुल सही है. आदमी की एक हैवानियत होती है, एक पावर होती है, लेकिन आदमी का एक कंट्रोल भी होता है. वही को हमको ध्यान देना पड़ेगा. और इस फिल्म में कहीं ना कहीं उसको बोला गया है कि देखो उस नज़र से जिसको आप कंट्रोल कर सको. और मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको, साइन फाइनली, मैंने कल भी बताया था, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि एक महिला को पता नहीं मर्द कितना हेल्प कर गाएंगे ज़िंदगी, मुझे मालूम नहीं है, तो हमारी ये कोशिश थी. लेकिन एक 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 लड़की और दूसरी लड़की पे अगर खड़े रहे उसके साथ में, इफ़ वन वुमन स्टैंड्स बाय विद द अदर वुमन, कोई नहीं रोक सकता उनको. सुजीत जी, सर सर सर, हेलो. सो पीछे को पहले बोलने दीजिए, वरना ये पूरी पिक्चर का जो देह है ये खराब हो जाएगा.
आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई फिल्म को लेकर. माउथ पब्लिसिटी जबरदस्त हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. सुजीत, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर बढ़ गई हैं, और अच्छे सब्जेक्ट्स सामने आएंगे. अभी हाल ही में जो हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं, क्या दिमाग में है कि इस तरह की कोई पैट्रियाटिक फिल्म आप बनाएंगे, पहला सवाल. और दूसरा सवाल, ये जो हुआ है उसको लेकर आप सबका रिएक्शन. सुजीत, आपसे शुरू. जो हुआ है वो तो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, एंड आई एम रियली फीलिंग सैड कि हम लोग ऐसे मोमेंट में, हमारी पिंक भी रिलीज हुई है, सो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, इतने डिलाइटेड हैं. लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड न्यूज़. कल हम सुन के मुझे बहुत ही बुरा लगा था, और ऐसे में फिल्म बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा ज़रूर मैं उस पर ध्यान दूंगा.